तो हेलो हाय गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम गौतम लखानी है एंड आई वेलकम यू ऑल टू रैंक सिक्योर आईएएस एकेडमी। आज के सेशन में गाइस हम लोग कवर करने जा रहे हैं द हिंदू न्यूज़पेपर ऑफ 17th जुलाई दैट इज ऑफ टुडे। आज का जो हमारा सेशन रहेगा यहाँ पर हम लोग कुछ काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन को देखते हुए, सेडिशन लॉ को देखते हुए, सेक्शन 124A को देखते हुए क्या कुछ बात यहाँ पर कही, उसको समझेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आपका रहेगा उसमें हम बात करेंगे इंडिया के हेल्थ सेक्टर की, और यहाँ पर बात करी जाएगी देखते हुए कि जैसे कि अभी आपको पता है कि रिसेंटली कैबिनेट रिशफल हुआ है, तो नए कैबिनेट मिनिस्टर हमें देखने को मिले हैं हेल्थ सेक्टर में, तो यहाँ पर किस तरीके से क्या कुछ काम किया जा सकता है हेल्थ सेक्टर के अंदर, उनको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि कैसे आज की डेट में जो पाकिस्तान है वो लगातार तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि अभी किस तरीके से रिसेंटली आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, जो मास्टर कार्ड के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड वगैरह आते हैं उनको कहीं ना कहीं बैन कर दिया है इंडिया के अंदर। इन सब चीजों को हम आज के सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं, डिटेल के साथ हर एक चीज को समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन की। आज के सेशन को शुरू करने से पहले आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर यह है कि अकेडमी लेकर के आया है आप लोगों के लिए कॉम्बो प्लान, जिसमें आपको जीएस और ऑप्शनल का जो है सब्सक्रिप्शन मिलेगा कॉम्बो प्लान में। इन कॉम्बो प्लान के अंदर अभी फिलहाल 25% तक का डिस्काउंट आपको देखने को मिल रहा है। जब आप यूज करेंगे हमारा रेफरल कोड रैंक 10 तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा, यानी कि फिलहाल एक साल के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 57,500 रुपीज, एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको फ्री ऑप्शनल टेस्ट सीरीज भी अभी मिलेंगी अगर आप जाकर के एनरोल करते हैं, ज्वाइन करते हैं तो प्लीज इसका फायदा उठाएं। अगर हम ऑप्शनल टेस्ट सीरीज की बात करें तो यहाँ पर आपको 21 टेस्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें 16 होंगे सेक्शनल टेस्ट और 5 होंगे फुल लेंथ टेस्ट। काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे ये आपके ऑप्शनल प्रिपरेशन के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें, फिलहाल अगर आप सब्सक्राइब करते हैं अकेडमी को तो आपका जो सब्सक्रिप्शन है उसे मेंस तक के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सटेंड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, हिंदी या इंग्लिश जो भी आपका मीडियम है उसमें। टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर फ्री मिल रही है, साथ ही साथ लोन की फैसिलिटी भी है 0% इंटरेस्ट रेट पर, और आपको यहाँ पर जो है कॉम्बो प्लान पर आप हैवी डिस्काउंट भी यहाँ पर पा सकते हैं। साथ ही साथ आपके लिए अनअकैडमी प्रॉमिस का भी यहाँ पर ऑप्शन है, तो प्लीज जाए फायदा उठाए इन सबका। यहाँ पर अगर हम बात करें अनअकैडमी प्रॉमिस की, तो फिलहाल अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं एंड अनफॉर्चुनेटली आफ्टर 2 ईयर्स आपका यूपीएससी क्लियर नहीं होता है किसी रीजन से, तो उस केस में अनअकैडमी क्या करेगा, आपसे प्रॉमिस करता है कि आपका जो सब्सक्रिप्शन प्लान है उसे 1 साल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सटेंड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर टेस्ट सीरीज आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, जिसमें आपको 50 प्रीलिम्स के टेस्ट मिलेंगे और 30 आपको मेंस के टेस्ट मिलेंगे। अगर आप 1 साल या उससे ज्यादा का कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं तो ये टेस्ट सीरीज आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें महा सब्सक्रिप्शन ऑफर भी है, जिसमें आपका जो सब्सक्रिप्शन प्लान है उसको मेंस 2022 तक के लिए वैलिड कर दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, और साथ ही साथ 20 बुक्स जो आपको 100% सिलेबस कवरेज कराएंगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगी। साथ में लोन की फैसिलिटी भी है 0% इंटरेस्ट रेट पर, और स्कॉलरशिप टेस्ट अकेडमी एवरी संडे कंडक्ट कराता ही है, जिसके अंदर आप जाकर के एनरोल कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के एस्पिरेंट्स के लिए रहता है, काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, आपको स्कॉलरशिप और एक्साइटिंग प्राइजेस यहाँ पर मिल पाएंगे। साथ ही साथ अकेडमी आप लोगों के लिए किताब सीरीज एक नया वैल्यू एडिशन कोर्स लेकर के आया है, जो कि आज यानी कि 17 जुलाई से शुरू हो रहा है। इसमें बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पर हर वीक 2 बुक्स डिस्कस करी जाएंगी, आपको बताया जाएगा उनके बारे में, जो कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे यूपीएससी सिलेबस से रिलेट करेंगे, तो काफी इंपॉर्टेंट ये रहने वाली है सीरीज, इसके अंदर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 21 जुलाई से कुछ नए बैचेस भी शुरू होने जा रहे हैं। बैचेस की यहाँ पर अगर हम बात करें तो रिविजन बैचेस हैं 2021 एस्पिरेंट्स के लिए, जिसमें आपका कंप्लीट रिविजन कराया जाएगा, प्री और मेंस को देखते हुए टेस्ट सीरीज कराई जाएंगी। साथ ही साथ यहाँ पर 1 ईयर के बैचेज हैं 2022 एस्पिरेंट्स के लिए, और 2 ईयर के बैचेज हैं 2023 एस्पिरेंट्स के लिए, जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कवरेज कराया जाएगा। तो प्लीज जाए एनरोल करें, ज्वाइन करें आइकॉनिक और प्लस, 2 तरीके के सब्सक्रिप्शन प्लान है। आइकॉनिक में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं, सिर्फ फीस भी थोड़ी सी यहाँ पर ज्यादा हो जाती है। बाकी यहाँ पर अगर हम बात करें, जब आप यूज करेंगे हमारा रेफरल कोड रैंक 10 तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। तो प्लीज जाए अनअकैडमी को एनरोल करें, ज्वाइन करें और अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करें। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन की। देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल जो कि आज के द हिंदू न्यूज पेपर के अंदर है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कुछ न्यूज से। तो यहाँ पर सबसे पहले जो न्यूज है वो बेसिकली है महाराष्ट्र और केरला को देखते हुए। क्या है ये न्यूज, अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र और केरला की,
इस टाइम पर इंडिया में जितने भी करंटली केसेस निकल करके आ रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा जो केसेस निकल करके आ रहे हैं वो महाराष्ट्र और केरला से ही आ रहे हैं। अगर हम बात करें आज की डेट में, सो टुडे इन प्रेजेंट टाइम करंटली अगर हम यहाँ पर सिचुएशन को समझने की कोशिश करें तो मान करके चलो कि अगर डेली 100 केसेस है ऑल ओवर इंडिया, तो 100 में से 80 केसेस जो है वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र और केरला से निकल करके आ रहे हैं। यानी कि इन दोनों स्टेट से आज की डेट में 80% केसेस निकल करके आ रहे हैं। वहीं अगर हम डेथ की बात करते हैं कि डेली 100 डेथ हो रही हैं, तो डेथ में भी यहाँ पर 84 डेथ जो है यानी कि 84% डेथ जो है वो महाराष्ट्र और केरला से ही आज की डेट में हो रही है। तो कल जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी फ्राइडे को पीछे इन सब स्टेट्स के मिनिस्टर्स के साथ बातचीत करी, जिसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरला, इन सब स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स थे, उनके साथ बातचीत करी। उन्होंने कहा कि भाई आप थोड़ा सा इस चीज पर ध्यान रखे, थोड़ा सा ज्यादा फोकस करा जाए, बिकॉज द रीजन इज लास्ट टाइम भी यही हुआ, जब हम जनवरी फरवरी की बात करते हैं लास्ट टाइम बिफोर द सेकेंड वेव, तब भी हमने इसी तरीके के ट्रेंड्स देखे थे कि महाराष्ट्र और इन सब स्टेट से केसेस ज्यादा आने लगे थे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थर्ड वेव को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनको वॉर्न करा और बोला कि हमें जरूरत है प्रोएक्टिव मेजर्स लेने की। और उन प्रोएक्टिव मेजर्स में साथ साथ ये भी बात कही कि आप टेस्ट, ट्रैकिंग, ट्रीट करें और टीका लगाएं। यानी कि आप टेस्ट करो, ट्रैक करो, ट्रीट करो और टीका लगाओ, इन चार बातों पर इस तरीके की स्ट्रेटेजी बनाने की बात कही गई है। तो ये एक छोटी सी इंपॉर्टेंट न्यूज थी यहाँ पर आपके लिए जनरल, जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस करी। अभी आगे की तरफ चलते हैं, बात करते हैं कांवड़ यात्रा से रिलेटेड। आप सब लोगों को पता होगा कि जब हम बात करते हैं इस मंथ की यानी कि जुलाई के आसपास, तो अक्सर हमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो पीरियड है ये सावन का मंथ कहलाता है। तो इस मंथ की जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो हमें हर साल कांवड़ यात्रा देखने को मिलती है, जो कि शिवरात्रि के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होती है हिंदू धर्म के अंदर। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो कांवड़ यात्रा है इसका मेन सोर्स वैसे तो हरिद्वार होता है, कि जो बेसिकली जितने भी ये पिलग्रिम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जाते हैं सीधा हरिद्वार, हरिद्वार से जल लेते हैं और फिर अलग अलग डेस्टिनेशन पर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं इस कांवड़ यात्रा की, तो उसमें अपने आप में कई लाख लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं। तो उन सब चीजों को देखते हुए, खास तौर पर कोरोना को देखते हुए, उत्तराखंड ने तो इस बार जो है कांवड़ यात्रा को बैन कर दिया कि भाई हम कांवड़ यात्रा अपने यहाँ पर कंडक्ट नहीं कराएंगे। बट यूपी का क्या कहना था, उत्तर प्रदेश की यहाँ पर अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का यहाँ पर कहना था कि हम सिंबॉलिक कांवड़ यात्रा यहाँ पर कराएंगे। अब इस चीज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इंटरवीन करा। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला है कि आप अपने इस प्रपोजल के ऊपर कि आप कांवड़ यात्रा कराना चाहते हो, इसके ऊपर रीथिंक करो, दोबारा से सोच विचार करो। अगर आप यहाँ पर सोच विचार नहीं करते हो, अपने प्लान को चेंज नहीं करते हो, फिर उसके बाद हम करेंगे जो हमें यहाँ पर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात यहाँ पर कही है। इन शॉर्ट सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर कहना यह है कि आप कांवड़ यात्रा को पोस्टपोन करें, कांवड़ यात्रा को मतलब बैन करें, इस साल ना कराएं कोरोना को देखते हुए, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि सेकेंड वेव से पहले भी कहीं ना कहीं कुंभ के टाइम पर जो हरिद्वार के अंदर कुंभ हुआ उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा डेथ हमें यहाँ पर देखने को मिली। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि भाई आर्टिकल 21 को देखते हुए जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी को देखते हुए। तो ये सब बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई हैं। तो देखते हैं आने वाले समय में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अपने फैसले से चेंज होती है या नहीं, या क्या रहता है इन फ्यूचर। तो लेट्स सी दैट ऑनली, ठीक है ना। बाकी फिलहाल यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो हमारी बेसिकली सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को एक तरीके से वॉर्न कर दिया है, चेतावनी दे दी है कि भाई आप यहाँ पर मत कंडक्ट करें। तो लेट्स सी आने वाले समय में क्या कुछ यहाँ पर रहता है। आगे की तरफ चलते हैं, बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज। Another important news is about vaccination of children under 18 years of age. क्या है ये news? जब हम यहाँ पर बात करते हैं, अभी recently हमें क्या देखने को मिला कि किसी ने दिल्ली हाई कोर्ट के आगे, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक पेटिशन लगाई और उन्होंने बोला कि सरकार को, दिल्ली हाई कोर्ट आदेश दे, सरकार को बोले कि जल्द से जल्द 12 टू 17 ईयर्स के जो बच्चे हैं हमारे यहाँ पर, उन लोगों को, माइनर्स को बेसिकली क्या करा जाए, वैक्सीनेट करा जाए। तो इस पूरे मामले पर सरकार का क्या कहना है कि अभी जो है क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं, देख अभी जो है यहाँ पर पूरी तरीके से रिपोर्ट सामने नहीं आई है कि वैक्सीन का चिल्ड्रन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अभी जो है ट्रायल यहाँ पर चल रहे हैं और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने भी बोला है कि देखिए अगर ट्रायल से पहले हम लोग यहाँ पर, क्लिनिकल ट्रायल से पहले यहाँ पर जो है वैक्सीन वगैरह लगाते हैं, तो इट वुड बी डिजास्टर, है ना भाई, एक तरीके का वो डिजास्टर हो सकता है, बिकॉज हमें नहीं पता कि उसका किस तरीके से क्या इम्पैक्ट होगा।
तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बोला जा रहा है, सरकार को बोला गया कि आप थोड़ा सा तेजी के साथ ये ट्रायल वगैरह करो। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी कहा गया कि जब ट्रायल हो जाएंगे उसके बाद ही जो है 12-17 ईयर्स के जो बच्चे हैं, माइनर्स हैं, उनको यहाँ पर वैक्सीनेट करा जाएगा। ये छोटी सी अपडेट थी उससे रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं अफगानिस्तान से रिलेटेड। अभी जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हम जब बात करते हैं ताशकंद की, तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस चल रही है, और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस के अंदर हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने भी पार्टिसिपेट करा। तो इस एक्सटर्नल अफेयर इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो एक कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस हुई, इसके अंदर अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। क्या कहा? अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट ने यहाँ पर कहा इस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि पाकिस्तान जो है क्या कर रहा है, वो लगातार तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, और अब तक 10,000 जिहादी जो है वो पाकिस्तान से अफगानिस्तान में एंटर कर चुके हैं, एंड दे ऑल आर सपोर्टिंग तालिबान देयर। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें तो उसी टाइम पर हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने भी बात कही। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने कहा कि देखिए कहीं ना कहीं वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, हमें समझने की जरूरत है कि पीस और सिक्योरिटी एक तरफ और डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी एक तरफ, ये दोनों चीजें हमें कहीं ना कहीं साथ लेकर के चलनी चाहिए। मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, प्रॉस्पेरिटी हो, तो आपको ये भी तय करना होगा कि शांति और स्टेबिलिटी बनी रहे, सिक्योरिटी बनी रहे। बिकॉज अगर पीस नहीं होगी, सिक्योरिटी नहीं होगी, तो उस केस के अंदर डेवलपमेंट होना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये सब बातें एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने वहां पर बोली। अब पाकिस्तान का क्या कहना है? पाकिस्तान कह रहा है कि देखिए हम तो खुद जो है तालिबान से बहुत ज्यादा परेशान है। मतलब पाकिस्तान इज ट्राइंग टू प्ले अ विक्टिम कार्ड हियर। वो कह रहा है कि हम तो खुद विक्टिम है। और देखिए ये पाकिस्तान के साथ अक्सर होता है, जब भी कोई टेररिज्म को लेकर के बात आती है, जब भी इस तरह की कोई चीजें हमें देखने को मिलती हैं, तो क्या होता है, पाकिस्तान विक्टिम बन जाता है और वो विक्टिम कार्ड खेलने लगता है। चाहे FATF का मामला हो, कि जब भी FATF में टेररिज्म को लेकर के कोई बातचीत होती है, तब भी हम क्या देखते हैं अक्सर कि पाकिस्तान जो है वो बेसिकली यहाँ पर विक्टिम कार्ड प्ले करता है। और अब तालिबान के केस में भी हमें यही देखने को मिल रहा है। तालिबान के केस में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान यहाँ पर विक्टिम कार्ड खेल रहा है कि तालिबान से तो हमें भी बहुत दिक्कत है, हम क्यों सपोर्ट करेंगे उन्हें। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये चीज समझनी होगी कि इफ यू वॉन्ट पीस एंड सिक्योरिटी इन द रीजन, मतलब कब तक पाकिस्तान इस तरह की हरकतों में इन्वॉल्व रहेगा। तो थोड़ा सा मैच्योर होने की जरूरत है, चीजों को स्टेबलाइज करने की जरूरत है। बिकॉज जैसे कि मैं कई बार बोल चुका हूँ कि अगर पाकिस्तान वाले रीजन में और अफगानिस्तान, मतलब इस रीजन के अंदर स्टेबिलिटी आ जाएगी, थोड़ी सी शांति बनेगी, तो उससे कहीं ना कहीं इंडिया को भी फायदा होगा और पाकिस्तान को भी फायदा होगा। पाकिस्तान को तो बल्कि ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि FATF के चार्जेस भी हटेंगे और फिर ट्रेड ट्रांजिट हर चीज बढ़ेगी। तो थोड़ा सा यहाँ पर पाकिस्तान को समझने की जरूरत है। बट क्या करें, कहते हैं ना वो कि मतलब बोलना तो नहीं चाहता मैं, बट यू कैन अंडरस्टैंड दैट डॉग्स टेल एंड ऑल दोस थिंग्स। तो कहीं ना कहीं सीधा होने का नाम ही नहीं लेता पाकिस्तान। खैर चलिए आगे की तरफ चलते हैं, बात करते हैं अनदर इम्पोर्टेंट न्यूज की। अभी कुछ दिन पहले हमने यहाँ पर डिस्कस करा था कि कावेरी रिवर के ऊपर कर्नाटका जो है क्या करने जा रहा है, वो मेघदूत प्रोजेक्ट को शुरू करने जा रहा है। और उस मेघदत्तू प्रोजेक्ट, तो मेघदत्तू प्रोजेक्ट की जब हम बात करते हैं तो उसको लेकर के यहाँ पर टेंशन बढ़ गई थी। क्या हुआ था? हुआ ये था कि अभी कुछ दिन पहले कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर येडियुरप्पा ने बोला कि भाई हम क्या करने वाले हैं, हम जो है बेसिकली कावेरी नदी के ऊपर जो है मेघदत्तू प्रोजेक्ट को आगे शुरू करेंगे। और इससे कहीं ना कहीं क्या होता कि अगर ये मेघदत्तू प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू होता तो उससे तमिलनाडु को नुकसान हो सकता था, ये मैंने आपको बताया ही था। कैसे? थोड़ा सा लोकेशन को यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए जब हम बात करते हैं कावेरी रिवर की, तो आप सब लोगों को पता है कि जो कावेरी रिवर है वो बेसिकली ब्रह्मगिरी हिल्स, ताल कावेरी से जो है इसका ओरिजिन होता है। कहाँ से ओरिजिन होता है? ताल कावेरी से इसका जो है ओरिजिन होता है ब्रह्मगिरी हिल्स के अंदर। तो जब हम यहाँ पर बात करते हैं ब्रह्मगिरी हिल्स की, ये आती है कहाँ? कर्नाटका के अंदर। तो कर्नाटका में ब्रह्मगिरी हिल्स से हम क्या देखते हैं कि जो है यहाँ पर क्या होता है, इस जगह को मान लेते हैं हम, यहां से जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कावेरी नदी का जो है ओरिजिन है। तो जब ये ओरिजिन होता है तो ये डाउनस्ट्रीम नीचे की तरफ जाती है और इस तरीके से तमिलनाडु में एंटर करती है, और फिर तमिलनाडु से एंटर करके बे ऑफ बंगाल में जाकर के हम देखने को मिलती है कि बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिर जाती है, यानी कि जो इनका माउथ है वो बे ऑफ बंगाल है। तो इस बीच हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि कर्नाटका प्लान कर रहा था कि बाउंड्री पे ही, बिल्कुल तमिलनाडु और कर्नाटका के बॉर्डर पर ही बिल्कुल क्या करा जाए, मेघदत्तू प्रोजेक्ट को बनाया जाए।
और कहीं ना कहीं इस मेघदत्तु प्रोजेक्ट के बनने से तमिलनाडु को क्या टेंशन थी, तमिलनाडु को टेंशन यहाँ पर ये थी कि जो तमिलनाडु के बेसिकली फार्मर्स होंगे उनको काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पर होगा, तमिलनाडु में जो डाउन स्ट्रीम में लोग रहते हैं उनको काफी ज्यादा यहाँ पर लॉस होगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए तमिलनाडु ने इस मामले को उठाया, तमिलनाडु ने इस मामले को काफी ज्यादा हाईलाइट करा। तो रिसेंटली हमें यहाँ पर क्या देखने को मिला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक एश्योरेंस हमें देखने को मिला है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली यहाँ पर बोला है कि जब तक कर्नाटक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी को नहीं दे देता और उनकी तरफ से अप्रूवल नहीं मिल जाता तब तक चीजों को लेकर के कोई भी काम यहाँ पर नहीं होगा। तो ये बातें यहाँ पर फिलहाल बोली गई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। तो एक तरीके से आप यहाँ पर कह सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट को लेकर के फिलहाल जो है एक तरीके से पोस्टपोन कर दिया गया है और यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि जब तक एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी को नहीं दी जाती कावेरी रिवर से रिलेटेड तब तक यहाँ पर कुछ भी करना गलत है। तो लेट्स सी आने वाले समय में क्या कुछ चीजें निकल करके आती हैं पूरे मामले में। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। बाकी आप लोगों के लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन, जो भी लोग ऑनलाइन है फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कि भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल जो है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के बारे में बात करता है। फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। यहां तक आपका किसी का कोई डाउट है तो प्लीज अपना डाउट भी आप ऐसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डाउट नहीं है, चीजें क्लियर है, तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। जो भी लोग ऑनलाइन है जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। बाकी अब एडिटोरियल सेक्शन की तरफ चलेंगे। मीन बाइल एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए, इन्फॉर्मेशन यहाँ पर यह है कि अगर आपने अब तक अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है अनअकैडमी से रिलेटेड, यूपीएससी प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बाकी आप हमारे साथ टेलीग्राम और फेसबुक चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इन दोनों में जुड़ने का फायदा क्या होगा कि टेलीग्राम चैनल पर मैं डेली नोट्स अपडेट करता हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। साथ ही साथ जब आप यूज करेंगे हमारा रेफरल कोड रैंक 10 तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी यहां पर मिलेगा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर। और साथ ही साथ जितने भी फ्री टेस्ट होते हैं स्कॉलरशिप टेस्ट एंड ऑल दोस क्विजेज एंड एवरीथिंग उसके अंदर भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर पाएंगे यूजिंग अवर रेफरल कोड रैंक 10। ठीक है, तो प्लीज जाकर एनरोल करें, ज्वाइन करें और हमारा रेफरल कोड रैंक 10 यूज करिएगा। चलिए एडिटोरियल सेक्शन की तरफ चलते हैं। अभी यहाँ पर मैंने क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से, क्वेश्चन में मैंने आपसे ये पूछा था कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को लेकर के भारत के संविधान में कौन सा आर्टिकल है जो कि पार्लियामेंट को इस बारे में पावर देता है। तो प्रीति का यहाँ पर कमेंट है आर्टिकल 262, बिल्कुल सही बात, आर्टिकल 262 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव पावर टू द पार्लियामेंट इन रिलेटेड टू द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। ठीक है, तो बिल्कुल वेरी गुड प्रीति। चलिए अब बात करते हैं गाइस एडिटोरियल सेक्शन। आज हम दो एडिटोरियल को डिस्कस करने वाले हैं। पहला एडिटोरियल जो है वो है बेसिकली किससे रिलेटेड, जो सुप्रीम कोर्ट में रिसेंटली अभी सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी दैट इज सेडिशन के ऊपर बातचीत हुई है उसको लेकर के उसको डिस्कस करेंगे। और सेकंड इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो हमारा रहेगा आज का उसमें हम बात करेंगे हेल्थ केयर सिस्टम की, दोनों को समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो रिसेंटली अभी रिमार्क्स दिए हैं सेडिशन केसेस के ऊपर उसको देखते हैं। अभी देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा रिसेंटली, कुछ दिन पहले दो तीन दिन पहले की बात है कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा कि ये सेक्शन 124A अभी तक स्टैट्यूट बुक में क्यों है, 75 साल हो गए हैं इंडिपेंडेंस को, 75 इयर्स हो गए हैं इंडिपेंडेंस को, तो अब तक ये आर्टिकल हमारी स्टैट्यूट बुक में क्यों है, ये बात उन्होंने सरकार से पूछी। साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमणा जी ने बोला कि देखिए कहीं ना कहीं हम यहां पर क्या देखते हैं कि जो ये बेसिकली सेक्शन 124A है दैट इज सेडिशन लॉ को लेकर के जो ये सेक्शन है इसका कहीं ना कहीं मिसयूज पुलिस की तरफ से होता हुआ हमें अक्रॉस द कंट्री देखने को मिला है। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहा गया कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें हाल फिलहाल में ऐसी चीजें देखने को मिली हैं कि जो कि कहीं ना कहीं इसका एक तरीके से गलत इस्तेमाल था। और ये भी बोला गया कि ये वो कानून है जिसे कलोनियल पीरियड में कलोनियल रेजीम में क्या करा गया है, कलोनियल रेजीम में जो है फ्रीडम मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए यहाँ पर ये काम किया गया था। तो ये बातें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कही, क्या कहा, तीन बात बोली। पहली बात क्या बोली, पहली बात बोला कि ये जो सेक्शन 124A है ये अब तक हमारी स्टैट्यूट बुक में क्यों है। दूसरी बात क्या कही, दूसरी बात यहाँ पर ये बोली कि हाल फिलहाल में हम क्या देख रहे हैं कि पुलिस इसका गलत इस्तेमाल कर रही है, गवर्नमेंट इसका गलत इस्तेमाल कर रही है, मिसयूज हो रहा है ये। और तीसरी बात क्या बोली कि ये वो कानून है जिसको कलोनियल पीरियड में ब्रिटिशर्स ने फ्रीडम मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए लगाया था। आप सबको पता होगा कि जब हम बात करते हैं महात्मा गांधी के अरेस्ट की, जब हम बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक के अरेस्ट की,
तो जितने भी हमारे रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर्स थे सबको सेडिशन लॉ के अंडर ही जो है क्या करा गया था, कई बार अरेस्ट करा गया। तो इन सब चीजों को देखते हुए यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने इन इश्यूज को हाईलाइट करा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लास्ट कुछ इयर्स के अंदर हमें ऐसा देखने को मिला है कि सरकार गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस कानून का जो है गलत इस्तेमाल कर रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर कोई सरकार के खिलाफ डिसेंट दिखा रहा है, सरकार के खिलाफ अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म है या सरकार का कोई अपोनेंट है, उन सबको लेकर के कहीं ना कहीं क्या करा जा रहा है, एक तरीके से एंटी नेशनल का टैग दिया जा रहा है और सेडिशन का कानून जो है उनके ऊपर लगाया जा रहा है। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिल रही है और इन सब चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं जरूरत है कि जो ये सेक्शन 124A का लगातार मिसयूज हो रहा है, इसको हम कहीं ना कहीं कंट्रोल करें, इसको हम कहीं ना कहीं चेक करें। ये बात यहाँ पर बोली गई। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें तो और भी काफी सारी बातें हुई इन्हीं सब चीजों को लेकर के कि भाई बहुत बड़े लेवल पर हमें इसका गलत इस्तेमाल होता हुआ देखने को मिल रहा है। कई बार हमें रिसेंटली अगर हम बात करें, हाल फिलहाल में ही हमें काफी सारे ऐसे केसेस देखने को मिले कि सेक्शन 124A का पॉलिटिकल रीजंस के चक्कर में जो है इस्तेमाल करा गया। तो ये सब बातें सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कही। साथ ही साथ देखिए, अब यहाँ पर आपको एक चीज समझनी होगी, जब हम बात करते हैं 1962 की, 1962 के अंदर हम क्या देखते हैं कि 1962 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या करा था, अपहेल्ड करा था आर्टिकल सेक्शन 124A को, यानी कि इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं करा था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई भी स्पीच, कोई भी राइटिंग, कोई भी स्टेटमेंट जो कि पब्लिक के अंदर एक डिसऑर्डर क्रिएट कर सकता है तो उन ग्राउंड्स के ऊपर सेडिशन लॉ लगाना वाजिब है। यानी कि सपोज करके चलो कि मैंने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया कि मेरे स्टेटमेंट देने के बाद हुआ क्या, दंगे हो गए, तो उस केस में मेरे ऊपर सेडिशन लॉ के अंडर जो है मुझे बुक करा जा सकता है। बट अगर सपोज मैंने कोई स्टेटमेंट दिया जिसका कोई खास फर्क पड़ा नहीं, बस मैं सरकार को क्रिटिसाइज कर रहा हूं, कोई पब्लिक डिसऑर्डर मुझे देखने को नहीं मिला, उस केस में सेक्शन 124A के अंडर मुझे बुक नहीं करा जा सकता, बिकॉज वो कहीं ना कहीं आर्टिकल 19 का वायलेशन करेगा, कहीं ना कहीं जो मेरे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको वायलेट करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कहीं ना कहीं इस चीज के बाद भी, ये चीज क्लियर करने के बाद भी आज की डेट में हमें इसका मिसयूज होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अब टाइम हमें देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं अब हमें उम्मीद है कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट सेक्शन 124A को लेकर के यहाँ पर कुछ यहाँ पर जो है अपना रेट्रोस्पेक्शन करे, कुछ और यहाँ पर हमें उसके अंदर जो है दोबारा से चेंजेस देखने को मिल सकते हैं और बाकी कहीं ना कहीं रिकंसिडरेशन को लेकर के उम्मीद यहाँ पर ज्यादा है। हाल फिलहाल में अगर हम बात करें लॉ कमीशन की, तो लॉ कमीशन ने भी यहाँ पर जो है अपने कंसल्टेशन पेपर के अंदर 2018 में यही बात बोली, कहीं ना कहीं यहाँ पर बोला गया सेडिशन लॉ को लेकर के ही। पार्लियामेंट में खुद सरकार इस बात को बोल चुकी है कि यहाँ पर सेडिशन की कोई डेफिनेशन नहीं है। तो हो सकता है इन सब पूरी चीजों को देखते हुए और जो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल स्टेटमेंट दिया, तो आने वाले समय में मोस्ट प्रोबेबली कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिल सकता है कि सुप्रीम कोर्ट सेक्शन 124A को लेकर के और जो 1962 में ये जजमेंट दिया था इसको लेकर के रिकंसिडर कर सकती है। तो लेट्स सी आने वाले समय में क्या रहेगा। बट इस आर्टिकल की बात करें तो इस आर्टिकल में तो लास्ट में यही लिखा है कि सेक्शन 124A को जितना जल्दी हो सके अगर खत्म ही कर दिया जाए, हटा ही दिया जाए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं हमें इसका गलत इस्तेमाल होता हुआ देखने को मिलता है। तो लेट्स सी आने वाले समय में क्या कुछ रहेगा, जो भी रहेगा उसको फिर सब डिस्कस करेंगे। बाकी ये एक छोटी सी अपडेट थी यहाँ पर आप लोगों ने, इससे रिलेटेड सेक्शन 124A से रिलेटेड और जो भी यहाँ पर हमने बातें डिस्कस करी इससे रिलेटेड इसके बारे में। कोई डाउट हो यहाँ पर आपका तो प्लीज आप अपना डाउट मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लें। डाउट नहीं है, चीजें क्लियर हैं तो फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना डाउट क्लियर कर लें। सब कुछ समझ आ रहा है तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। बाकी आप सब लोगों के लिए कमेंट एक क्वेश्चन है, फटाफट से जो भी लोग ऑनलाइन है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कि जब हम ब्रिटिश पीरियड की बात करते हैं तो व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द रॉलेट एक्ट, जिसको काला कानून कहा जाता है, एंड दिस सेडिशन लॉ, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या था, व्हाट वाज द मेजर डिफरेंस बोथ। अभी मैंने ये कल बताया भी था इस चीज को, कल या परसों। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कि जो हमारा बेसिकली रॉलेट एक्ट था उसको और जो है ये सेडिशन, इन दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस क्या था, फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ आप। मीनवाइल हम सेकंड इंपॉर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। क्या है ये आर्टिकल, ये बात करता है रिन्यू हेल्थ केयर सिस्टम को लेकर।
यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अभी हमने क्या देखा, अभी हमने रिसेंटली ये देखा कि इंडिया के अंदर जब ये कैबिनेट रीशफल हुआ, तो इस कैबिनेट रीशफल के दौरान हमें एक नए यूनियन मिनिस्टर जो है हेल्थ के तौर पे देखने को मिले, मतलब एक नए हेल्थ मिनिस्टर हमें यहाँ पर देखने को मिले। तो जब हम यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब हम बात करते हैं नए हेल्थ मिनिस्टर की, तो उनके सामने कहीं ना कहीं कोविड को लेकर के काफी ज्यादा एक्सपीरियंस, काफी ज्यादा लेसन्स है। यानी कि यहाँ पर क्लियरली बोला जा रहा है कि जब हम हेल्थ मिनिस्ट्री की बात करते हैं, तो हेल्थ मिनिस्ट्री के सामने आज की डेट में हेल्थ सिस्टम को लेकर के कोविड के टाइम पे काफी ज्यादा लेसन्स है कि किस तरीके से हमने जो है कोविड को हैंडल करा। कहीं ना कहीं जरूरत ये है कि हम यहाँ पर क्या करें, उन सब चीजों को देखते हुए नए हेल्थ मिनिस्टर काम करें। यानी कि जो भी हमें कहीं ना कहीं शॉर्टकमिंग्स देखने को मिली पिछले कुछ 4-5 महीनों के अंदर, या कहीं लास्ट 16 मंथ्स के अंदर, उसके ऊपर कहीं ना कहीं हमें काम करने की जरूरत है। ऐसी बात यहाँ पर इस आर्टिकल में बेसिकली कही जा रही है। क्या कहा जा रहा है, पूरे आर्टिकल को डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। एक कमेंट, एक क्वेश्चन पूछा था मैंने आप लोगों से कि रॉलेट एक्ट के बीच में और सेडिशन लॉ के बीच में क्या डिफरेंस था। तो यहाँ पर साक्षी खंडेलवाल का कमेंट है, रॉलेट एक्ट में बिना रीजन बताए अरेस्ट करते थे और ना ट्रायल किया जाता था। बिल्कुल, जब हम बात करते हैं रॉलेट एक्ट और सेडिशन की, तो सेडिशन बेसिकली करा जाता था अगर आप सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हो, सरकार के खिलाफ बोल रहे हो, है ना, इन वजहों के, इन रीजंस के बेसिस पर आपके ऊपर सेडिशन लॉ लगा दिया जाता था। यानी कि आप प्रोटेस्ट कर रहे हो या कुछ इस तरीके से। बट जब हम यहाँ पर बात करते हैं रॉलेट एक्ट की, तो रॉलेट एक्ट के अंदर हम क्या देखते हैं कि बिना रीजन के आपको बताया कि आपको क्यों अरेस्ट करा जा रहा है, विदाउट एनी रीजन आपको यहाँ पर उसमें अरेस्ट कर लिया जाता था, मतलब आपको इन द सेंस हमारे फ्रीडम फाइटर्स को। तो ये एक बेसिक डिफरेंस हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और भी कुछ कमेंट्स है, साहिबा का कमेंट है, सर रॉलेट एक्ट पे दे यूज्ड टू अरेस्ट विदाउट एनी रीजन, बट सेडिशन लॉ कम्स इनटू द फोर्स व्हेन देयर स्टेटमेंट गिवन एनी लीडर। ओके, अगेंस्ट एनी लीडर, नॉट अगेंस्ट एनी लीडर, अगेंस्ट गवर्नमेंट। अगर आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हो, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश हुकूमत को, रॉलेट एक्ट में विदाउट टेलिंग रीजन प्रिजन में डाल देते थे। बिल्कुल संगीता, विदाउट, बिल्कुल जी, आप सबके कमेंट्स ठीक है यहाँ पर, वेरी गुड। से पता लग रहा है कि आप लोग रोज एंगेज रहते हो और कहीं ना कहीं साथ में अपना घर पर जाके भी पढ़, मतलब बाद में भी पढ़ते हो। चलिए अब बात कर लेते हैं इस आर्टिकल की। इस आर्टिकल में चार चीजें डिस्कस करी जा रही है। पहली क्या, पहली बात यहाँ पर करा जा रहा है स्टेट्स के बीच में कंपैरिजन, ठीक है, स्टेट्स के बीच में कंपेयर करके बताया जा रहा है कि हेल्थ सेक्टर को लेकर के क्या कुछ होना चाहिए। दूसरी बात जब हम यहाँ पर करते हैं, तो कहीं ना कहीं बात करी जा रही है कि हमें पब्लिक हेल्थ के ऊपर फोकस करना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर कही जा रही, तीसरी बात यहाँ पर कही जा रही है कि कहीं ना कहीं हमें प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करने की जरूरत है। और फोर्थ यहाँ पर कहा जा रहा है नीति आयोग के बारे में। अब इन चारों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर दो स्टेट्स की जब हम बात करते हैं, जो दो स्टेट्स को कंपेयर करा जा रहा है, वो करा जा रहा है केरला और महाराष्ट्र को। यहाँ पर जब हम बात करते हैं आज की डेट में, तो अभी शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि करंटली जो इंडिया के अंदर ऑल ओवर जितने भी केसेस देखने को मिल रहे हैं, उसमें 80% केसेस इन्हीं दो स्टेट से आ रहे हैं, दैट इज केरला एंड महाराष्ट्र। तो यहाँ पर केरला एंड महाराष्ट्र का एग्जाम्पल लिया जा रहा है और दोनों के हेल्थ केयर सिस्टम को कंपेयर करा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब हम बात करते हैं केरला और महाराष्ट्र की, इन दोनों स्टेट्स के अंदर जीडीपी का लगभग लगभग सिमिलर अमाउंट जो है खर्च करा जाता है हेल्थ केयर पर। बट जब हम बात करते हैं इन दोनों स्टेट्स की, तो अगर आप फर्टिलिटी रेट्स को देखें, तो केरला के अंदर वो फर्टिलिटी रेट है 0.48% का, और वहीं महाराष्ट्र के अंदर वो रेट है 2.04% का। यानी कि अगर आप इसको कंपेयर करके देखें, तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर केरला से 3 गुना ज्यादा जो है यहाँ पर क्या हो रही है, डेथ हो रही है। और साथ ही साथ जब हम यहाँ पर महाराष्ट्र की बात करते हैं, तो महाराष्ट्र के अंदर हमें और भी काफी सारे प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं हेल्थ सेक्टर में देखने को मिलते हैं। आप सब लोगों ने देखा अभी पीछे कितने ज्यादा प्राइसेस हमें देखने को मिले। इन सबके पीछे का रीजन क्या है, इन सबके पीछे का रीजन है इफेक्टिवनेस ऑफ द पब्लिक हेल्थ सिस्टम। यानी कि दोनों स्टेट्स के अंदर जब हम पब्लिक हेल्थ सिस्टम की इफेक्टिवनेस को देखते हैं, तो वहां हमें एक मेजर रीजन समझ आता है। क्या, जब हम बात करते हैं केरला की, तो केरला कंपैरेटिवली क्या करता है, वो अपना जो है 2.5 times जो है वहां पर आपको ज्यादा गवर्नमेंट डॉक्टर्स देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ आपको वहां पर ज्यादा गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर बेड्स देखने को मिले कंपेयर टू द महाराष्ट्र। यानी कि अगर आप महाराष्ट्र से केरला को कंपेयर करोगे, तो केरला बीइंग अ स्मॉल स्टेट एज कंपेयर टू महाराष्ट्र, वहां पर आपको ज्यादा डॉक्टर्स मिल रहे हैं, ज्यादा हेल्थ हॉस्पिटल के अंदर बेड्स देखने को मिल रहे हैं, ये सब चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं, तो हर साल केरला के अंदर हम क्या देखते हैं कि ये लोग अपने हेल्थ बजट के अंदर इंक्रीमेंट भी करते रहते हैं।
वहीं दूसरी तरफ जब हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र के अंदर हमें प्राइवेट सेक्टर जो है, प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर की डोमिनेंस देखने को मिलती है। प्राइवेट हेल्थ सेक्टर ज्यादा है कंपेयर टू द पब्लिक हेल्थ सिस्टम। महाराष्ट्र के अंदर हमें पब्लिक हेल्थ सिस्टम वीक देखने को मिलता है और कहीं ना कहीं यही एक मेजर रीजन यहाँ पर हमें देखने को इस पूरे मामले का मिल जाता है। साथ ही साथ अगर हम कोविड की बात करें तो कोविड में हमने क्या देखा कि केरला के अंदर सरकार ने हेल्थ केयर सर्विसेज के ऊपर बहुत बड़े लेवल पर काम किया। सरकार ने वहां पर जो है इफेक्टिव आउटरीच बनाई, यानी कि लोगों तक पहुंचे, टेस्टिंग करी टाइमली, साथ ही साथ केसेस के अर्ली डिटेक्शन करे और फिर उनका ट्रीटमेंट वगैरह करके फैटलिटी रेट को कम करा गया। बट वहीं जब हम यहाँ पर बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के अंदर हम क्या देखते हैं कि कहीं ना कहीं वहां पर जो है पब्लिक हेल्थ सिस्टम ढंग से काम कर नहीं रहा था, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब का नहीं था, चीजें कोलैप्स कर गई थी, जिस वजह से प्रॉब्लम यहाँ पर हुई। तो आज की डेट में कहीं ना कहीं क्या कहा जा रहा है कि कोविड 19 से हमारे सामने एक क्लियर मैसेज है, और वो क्लियर मैसेज क्या है कि अगर हमारे देश में पब्लिक हेल्थ सिस्टम मजबूत होगा, पब्लिक हेल्थ सिस्टम काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो उस केस में क्या हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर जो भी ये प्रॉब्लम्स हुई उन सबके अंदर चीजें यहाँ पर बच सकती है, मतलब इतनी डेथ ना होती जो कि अभी हाल फिलहाल में देखने को मिली। पहली बात तो ये कही जा रही है। दूसरी बात यहाँ पर ये कही जा रही है, दूसरी बात यहाँ पर कहा जा रहा है कि आज की डेट में कहीं ना कहीं जरूरत है कि हम पब्लिक हेल्थ के ऊपर फोकस करें। कैसे? यहाँ पर वैसे तो एक एग्जांपल इन्होंने दिया है, इसमें बोला गया है कि देखो अभी जैसे ये 20,000 करोड़ रुपए लगा करके सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, यानी कि एक नई पार्लियामेंट बनाई जा रही है, इससे अच्छा ये होता कि 25,000 अगर हम इतने ही पैसे 20,000 करोड़ रुपए खर्च करते तो ऑल ओवर इंडिया की जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो लगभग 2/3 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर ऑल ओवर इंडिया क्या लग जाता, ऑक्सीजन प्लांट वगैरह लग जाते और इतनी जो डेथ हुई वो ना होती। खैर इस पे हम इस डिबेट पे नहीं जाएंगे कि क्या ज्यादा जरूरी है, उस पे नहीं बात करेंगे, बट इन्होंने एक एग्जांपल दिया कि अगर हम हेल्थ सेक्टर को ऊपर ज्यादा काम करते तो वो ज्यादा बेटर रहता। साथ ही साथ यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि हमें कहीं ना कहीं जरूरत है कि हम फिलहाल नेशनल हेल्थ मिशन के ऊपर काम करें। गवर्नमेंट को यहाँ पर जरूरत है कि वो नेशनल हेल्थ मिशन के ऊपर फोकस करे, बिकॉज कहीं ना कहीं हमें क्या देखने को मिला है कि कोविड 19 की वजह से पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के अंदर काफी ज्यादा हमें जो है वहां पर शॉर्टेज देखने को मिली है। और अगर हम नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन की बात करें तो उसकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा खराब रही है इस टाइम के दौरान। साथ ही साथ अगर आप नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन की बात करते हैं तो सरकार सिर्फ और सिर्फ 1,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, यानी कि पर अर्बन इंडियन, यानी कि कोई भी इंडियन जो शहर में रहता है उसके ऊपर सरकार सिर्फ 2 रुपए खर्च कर रही है पर मंथ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये सब बातें कही जा रही हैं कि हमें जरूरत है कि हम क्या करें, नेशनल हेल्थ मिशन को थोड़ा सा यहाँ पर जो है उसको स्ट्रेंथन करें, मजबूत करें। साथ ही साथ जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशन है नेशनल हेल्थ पॉलिसी टारगेट को लेकर के, उसको देखते हुए हमें काम करने की जरूरत है। और हेल्थ के अंदर जो हमने अपना बजट रखा है उसको कहीं ना कहीं हमें बढ़ाने की जरूरत है। ये सब बातें यहाँ पर कही जा रही है कि अभी क्या हो रहा है, अभी हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो इस टाइम पे कोविड 19 के टाइम पर जब हमें थर्ड वेव का खतरा बना हुआ है तो जरूरत क्या है कि हम रूरल और अर्बन सेक्टर के अंदर क्या करें, अपना हेल्थ केयर सिस्टम को, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करें। अब पब्लिक हेल्थ केयर के ऊपर इतना फोकस क्यों दिया जा रहा है वो भी यहाँ पर आप समझ लें। पब्लिक हेल्थ केयर के ऊपर फोकस इसलिए दिया जा रहा है बिकॉज अगर हम बात करें कोविड पीरियड की तो लास्ट 16 मंथ्स में आप सब लोगों ने देखा कि किस तरीके से प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो हॉस्पिटल्स थे वहां पर हमें एक तरीके से लूट देखने को मिली। मतलब दे वर चार्जिंग 1 लाख to 3 लाख फॉर अ वीक इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स, और ये 1 लाख से 3 लाख तो बहुत छोटा है, कई कई हॉस्पिटल्स में तो दे वर चार्जिंग पर डे इन लैक्स, है ना, पर डे के हिसाब से वो लोग लाखों में चार्ज कर रहे थे। तो आप सब लोगों ने देखा कि किस तरीके से प्राइवेट हेल्थ सेक्टर्स के अंदर जो है हमें कितनी ज्यादा लूट होती हुई देखने को मिली इस कोविड के दौरान। साथ ही साथ आप सब लोगों ने देखा कि कैसे ओवर यूज करा गया रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन का, जिस वजह से शॉर्टेज हो गई और जो इंजेक्शन बहुत ही कम रेट में मिल जाता है वो लाखों में बिका। साथ ही साथ जब हम बात करते हैं इन सब के अलावा स्टीरॉइड का बिना बात में एक्स्ट्रा इस्तेमाल करा गया। स्टीरॉइड की जब हम बात करते हैं तो बिन बात में यहाँ पर स्टीरॉइड का एक्स्ट्रा इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं उससे क्या करा गया, कहीं ना कहीं उससे जो है बेसिकली हमें म्यूकोर माइकोसिस की प्रॉब्लम देखने को मिल गई। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं हमें जरूरत है कि आज की डेट में हम क्या करें, यहाँ पर जो है प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स को खासतौर पर रेगुलेट करने की हमारे को जरूरत है। इस तरीके की बात यहाँ पर कही जा रही है।
साथ ही साथ जब हम यहाँ पर बात करते हैं इस पे क्या कहा जा रहा है कि इस टाइम पर जरूरत है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करे, कहीं ना कहीं जो 2010 में हमने क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट और रेगुलेशन एक्ट पास करा था, CAA पास करा था, उसको हमें इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि आज की डेट में भी अगर हम बात करें तो सिर्फ 11 स्टेट्स के अंदर ही वो इंप्लीमेंटेड है। तो कहीं ना कहीं हमें ये प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करने की जरूरत है। प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट इस तरीके से करा जाए कि उनके लिए एक मिनिमम स्टैंडर्ड तय कर दिए जाए। किस तरीके से जो लूट मचाई हमें अक्सर प्राइवेट सेक्टर की तरफ से देखने को मिलती है वो ना हो, ये सब बातें यहाँ पर इस पे कही जा रही है। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि हमें कहीं ना कहीं जरूरत है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर, हमने देखा भी कि सरकार ने कोविड के टाइम पर रेट्स को लेकर के रेगुलेशन वगैरह करे भी, बट उसका भी हमें कुछ खास फायदा यहाँ पर होता हुआ देखने को नहीं मिला। उसके अंदर भी कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर प्रॉब्लम होती हुई देखने को मिली, और बहुत ज्यादा जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें प्राइवेट सेक्टर की तरफ से जो एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिला। तो ये सब बातें यहाँ पर कही जा रही है कि इस टाइम पर जरूरत क्या है। इस टाइम पर जरूरत ये है कि हम कहीं ना कहीं यहाँ पर चीजों को प्रॉपर्ली लेकर के चले, ठीक है। इन सबके अलावा क्या कहा जा रहा है, इन सबके अलावा यहाँ पर अभी बात करी जा रही है नीति आयोग की। अभी हमने क्या देखा कि नीति आयोग ने एक डॉक्यूमेंट पब्लिश करा, और उस डॉक्यूमेंट में का जो टाइटल था वो क्या था, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडियाज हेल्थ केयर सेक्टर। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि नीति आयोग को इस टाइम पर जो है इतना सब कुछ देखने के बावजूद भी प्राइवेट हेल्थ सेक्टर को प्रमोट करने की जरूरत नहीं है। मतलब ये जो डॉक्यूमेंट है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडियाज हेल्थ सेक्टर, तो इससे क्या पता लग रहा है, इससे कहीं ना कहीं ये पता लग रहा है कि नीति आयोग क्या करना चाहता है, जो हेल्थ केयर सेक्टर है इंडिया में उसको फर्दर प्राइवेटाइज करना चाहता है। और साथ ही साथ जो ये हमारे यहाँ पर क्राइसिस की सिचुएशन हमें देखने को मिली, जो हमारे यहाँ पर लोगों को लूटा गया प्राइवेट सेक्टर के द्वारा कोविड-19 के टाइम पीरियड में, नीति आयोग उसके लिए क्या बता रहा है कि ये इन्वेस्टर्स के लिए, कैपिटलिस्ट के लिए अपॉर्चुनिटी है कि आओ आकर के यहाँ पर ये सब करो। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये बहुत गलत है, कहीं ना कहीं हमें जरूरत है नीति आयोग को इस तरीके की जरूरत है कि यहाँ पर पब्लिक सेक्टर को प्रमोट करा जाए, और कहीं ना कहीं जो हमारे नए हेल्थ मिनिस्टर आए हैं, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है, जरूरत है कि हम प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करें और पब्लिक हेल्थ सेक्टर को बढ़ाएं। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अभी हाल फिलहाल से हमें चार सीखने को मिली है, चार लेसन मिले हैं, जिसमें सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहला यहाँ पर यह है कि जरूरत है कि हम पब्लिक हेल्थ सिस्टम को मजबूत करें, स्ट्रेंथन करें, साथ ही साथ प्राइवेट हेल्थ सेक्टर को रेगुलेट करें और फर्दर प्राइवेटाइजेशन होने से रोकें। क्योंकि जितना ज्यादा प्राइवेटाइजेशन होगा उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं आम आदमी का, आम जनता का जो है कहीं ना कहीं नुकसान होता है, हम लोगों को ही कहीं ना कहीं यहाँ पर लॉस होता है। तो ये सब बातें यहाँ पर कही जा रही है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि भाई कहीं ना कहीं हमें जरूरत है कि हम बेसिकली इन सब चीजों को फॉलो करें और कहीं ना कहीं पब्लिक हेल्थ सेक्टर को प्रमोट करें, पब्लिक हेल्थ सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करें। और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो प्राइवेट सेक्टर है उसको रेगुलेट करने की जरूरत है। तो ये सब बातें इस आर्टिकल के अंदर कही जा रही है। और देखिए, अगर आप इस आर्टिकल को देखें और प्रैक्टिकली हाल फिलहाल में जो हुआ, अगर आप उन सब चीजों को कंपेयर करें, तो काफी हद तक आपको ये लगेगा कि भाई बात तो ठीक है, सही बात कही जा रही है यहाँ पर। क्योंकि हमें इन कुछ टाइम पीरियड में, लास्ट 16 मंथ्स के अंदर हमें, आप सब लोगों ने देखा, मतलब मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है कि किस तरीके से जो है प्राइवेट सेक्टर के अंदर लूट करी जा रही थी एक तरीके से, और उसका फायदा किसको हो रहा था, हॉस्पिटल्स को, नुकसान किसका हो रहा था, आम आदमी का। लोगों ने अपने घर तक बेच दिए हॉस्पिटल्स के बिल पे करने में। आप सबने देखा कि अगर यहाँ पर पेमेंट पूरी नहीं करी गई हॉस्पिटल्स के अंदर, तो यहाँ पर डेड बॉडी तक नहीं ले जाने दी। तो ये सब कहीं ना कहीं गलत चीजें हैं, और कहीं ना कहीं सरकार को रेगुलेट करने की जरूरत है। गवर्नमेंट कैन नॉट बी अ मेयर ऑफ व्हाट आई कैन सी अ स्पेक्टेटर। गवर्नमेंट सिर्फ यहाँ पर देख नहीं सकता इन चीजों को होता हुआ, हमें कहीं ना कहीं जरूरत है कि हम इन सब चीजों को रेगुलेट करें। तो ये सब बातें यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर कही जा रही है। तो यहाँ पर आपका किसी का कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप अपना डाउट मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डाउट नहीं है, चीजें क्लियर है, तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, वीडियो को लाइक जरूर करें। कुणाल का यहाँ पर कमेंट है, सर एज यू टोल्ड केरला गवर्नमेंट इज मच रिस्पॉन्सिबल फॉर सिटीजन इन केस ऑफ हेल्थ सेक्टर, सो व्हाट्स द रीजन कोविड केसेस इंक्रीज सो मच सर। देखिए कुणाल, जब हम बात करते हैं केरला की, तो बेसिकली हमें क्या देखने को मिला कि केरला के अंदर जब अभी हाल फिलहाल में इलेक्शन हुए, तो इलेक्शंस के बाद कहीं ना कहीं ये केसेस हमें ज्यादा तेजी के साथ बढ़ते हुए देखने को मिले। और बात अगर हम करें कॉन्सिक्वेंसेस की और बाकी सब चीजों की, तो केसेस तो बढ़ रहे हैं। बाकी देखियो, केसेस तो हर जगह ही है इस टाइम पर, कहां पर नहीं है ये बात अलग है, हर जगह पर ही कहीं ना कहीं हमें केसेस देखने को मिल रहे हैं। बट हाँ, केरला के अंदर फिर भी परफॉर्मेंस हमें अच्छा देखने को मिला हेल्थ, पब्लिक हेल्थ सेक्टर का, कंपेयर टू द अदर स्टेट्स। तो ये बातें यहाँ पर कही जा रही है। एक और कमेंट है प्रीति का, ये पूछे कि नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन का क्या काम है सर।
देखिए जब हम बात करते हैं नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन की, तो उसके अंदर बेसिकली क्या करा जाता है कि जैसे कि मैटरनल हेल्थ हो गई, एडोलसेंट हेल्थ हो गई, इन सब चीजों को देखते हुए, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिफीजेस हो गए, इन सब चीजों को देखते हुए काम करा जाता है। बेसिकली यहाँ पर अगर हम बात करें तो कोशिश करी जाती है नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर कि हर किसी को इक्वटेबल, अफोर्डेबल और क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज मिल सके। साथ ही साथ जब हम बात करते हैं नेशनल हेल्थ मिशन की, तो इसके कुछ अपने टारगेट्स है, एम है, ऑब्जेक्टिव्स है, क्या कि भाई मोर्टैलिटी रेट को कम करना है, ठीक है, मैटरनल मोर्टैलिटी रेट इंडिया के अंदर जो मैटरनल मोर्टैलिटी रेट है उसको कम करना है, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट को कम करना है, साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर एनीमिया को होने से रोकना है। इस तरीके की बातें इसके अंदर हमें अक्सर देखने को मिलती है कि यहाँ पर जो बेसिकली अफोर्ड नहीं कर सकता हेल्थ हेल्थ के अंदर जो ये जितनी भी चीजें हैं, कहीं ना कहीं उनको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाए। तो ये सब काम है बेसिकली हमारे नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर जो करे जाते हैं, ठीक है। तो ये सब बातें इसमें कही जा रही हैं। किसी का कोई डाउट यहाँ पर तो प्लीज पूछ ले, डाउट नहीं है, चीजें क्लियर है, तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। जो भी लोग ऑनलाइन है, जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं करा, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। अब आगे की तरफ चलते हैं, बात कर लेते हैं हमारे आज अनदर इम्पोर्टेंट न्यूज की। एडिटोरियल दो थे इम्पोर्टेंट, उन दोनों को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। साहिबा का यहाँ पर कमेंट है, सर नीति आयोग लूट को बढ़ावा दे रहा है। देखिए ऐसा नहीं है कि लूट को बढ़ावा दे रहा है, बेसिकली क्या है कि वो कह रहे हैं कि आप इंडिया के हेल्थ सेक्टर के अंदर आकर के इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट कौन करे, मतलब प्राइवेट प्लेयर्स आकर के इन्वेस्ट करे। तो इस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि प्राइवेट प्लेयर्स को आप इन्वेस्ट करने के लिए बुला तो रहे हो, बट आपने देखा ही कि अभी कितने ज्यादा हाल बुरा हुआ, प्राइवेट सेक्टर ने किस तरीके से लूटपाट करी कोविड के टाइम पर। तो जरूरत है कि हम यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर्स को रेगुलेट करें, और प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाने से अच्छा क्या है कि हम पब्लिक हेल्थ सेक्टर को मजबूत करें। तो ये बात यहाँ पर कही जा रही है बेसिकली कि नीति आयोग को जो है काम करना चाहिए कि पब्लिक हेल्थ को कैसे मजबूत करा जाए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कैसे बनाए जाए, कैसे उनको स्ट्रेंथन करा जाए, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। ये बात यहाँ पर बोली जा रही है। आगे की तरफ चलते हैं, बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज की। पहली न्यूज जो है यहाँ पर वो है मॉडर्ना वैक्सीन से रिलेटेड। यहाँ पर अगर हम नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग के मेंबर हैं वीके पॉल, जो कि बेसिकली हेल्थ और कोविड 19 से रिलेटेड चीजों को देख रहे हैं। तो उन्होंने यहाँ पर क्या कहा, उन्होंने यहाँ पर कहा कि इस टाइम पर भारत सरकार लगी हुई है, सेंटर लगा हुआ है इंडिया में मॉडर्ना वैक्सीन को लाने के लिए। हो सकता है बहुत जल्द इंडिया के अंदर आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर जो है आपको यहाँ पर मॉडर्ना वैक्सीन भी देखने को मिले। तो लेट्स सी आने वाले समय में क्या कुछ यहाँ पर रहता है। अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज इज फ्रॉम द चाइना। चाइना ने क्या करा है, चाइना ने श्रीलंका को और जो है वैक्सीन यहाँ पर प्रोवाइड करी है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें तो अब तक चाइना श्रीलंका को लगभग 2.5 करोड़ के आसपास जो है यहाँ पर वैक्सीन की डोजेस प्रोवाइड करा चुका है, और अब तक श्रीलंका जो है कहीं ना कहीं 8% अपने यहाँ पर लोगों को वैक्सीनेट कर चुका है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर हम बात करें तो आज की डेट में वही चाइना और श्रीलंका की जो ये दोस्ती है काफी ज्यादा हमें गहराती हुई देखने को मिल रही है। एंड एवरीबॉडी नोज क्यों हो रहा है ये सब, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमने इंडिया श्रीलंका रिलेशंस को भी जब डिस्कस करा था तो चाइना की इन्फ्लुएंस के बारे में वहां पर भी बात करी थी, ठीक है। तो चलिए आगे की तरफ बात करते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज इज फ्रॉम रशिया। रशिया ने अभी क्या हुआ है, रशिया ने यूएसए को स्लैम करा है। क्या कहा है, रशिया ने कहा है कि इस अफगान पुल आउट की वजह से जो अफगानिस्तान के अंदर आज की डेट में सिचुएशन है उसके लिए सोली यूएसए रिस्पॉन्सिबल है। यूएसए पूरी तरीके से यहाँ पर फेल्ड हो चुका है अपने मिशन में, ऐसा कहना है रशिया का। और साथ ही साथ रशिया का यहाँ पर क्या कहना है कि जिस तरीके से अब ये पुल आउट करा जा रहा है, अफगानिस्तान से फोर्सेस को विड्रॉ करा जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और इन सब चीजों के पीछे जो रिस्पॉन्सिबल है वो है यूएसए। साथ ही साथ इनका क्या कहना है, अभी हमें रिसेंटली देखने को मिला था कुछ टाइम पहले कि तालिबान की जो है एक तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव की मीटिंग हुई थी मॉस्को में लास्ट वीक। तो उस मीटिंग में तालिबान ने खुद रशिया को बताया कि भाई हमने अब तक 85% ऑफ एरिया के ऊपर जो है कब्जा कर लिया है अफगानिस्तान में। तो यहाँ पर इनका क्या कहना है कि रीजन के अंदर जो पीस एंड स्टेबिलिटी है उसको लेकर के यूएसए ने बहुत गलत करा है, और अफगानिस्तान के अंदर जो इस टाइम पर फ्यूचर को लेकर के पॉलिटिकल और मिलिट्री सिचुएशन को लेकर के अनसर्टेनिटी जो बनी हुई है उसके पीछे कहीं ना कहीं यूएसए जिम्मेदार है। तो ये बातें रशिया ने यहाँ पर बोली है। अब बात करते हैं अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज की। अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज इज फ्रॉम द इकोनॉमी। क्या है ये न्यूज, इकोनॉमी सेक्शन से रिलेटेड न्यूज है ये। न्यूज यहाँ पर है मास्टर कार्ड को लेकर के। देखिए आप लोगों को पता होगा कि हम जब बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो अक्सर हम डेबिट या क्रेडिट कार्ड देते हैं। तो जब आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं तो उसमें अलग अलग तरीके के डेबिट और क्रेडिट कार्ड होते हैं। जैसे कि हमें रुपए कार्ड देखने को मिलता है जो कि इंडिया का अपना है,
हमें यहाँ पर मास्टर कार्ड देखने को मिलता है, साथ ही साथ हमें यहाँ पर जो है वीजा कार्ड देखने को मिलते हैं। वीजा के अलावा पहले अमेरिकन एक्सप्रेस भी हुआ करता था, है ना, अमेरिकन एक्सप्रेस के अलावा जो है डाइनर्स क्लब भी हुआ करता था। तो इस तरीके से बहुत सारे हमें अलग अलग तरीके के ये कार्ड देखने को मिलते हैं, डेबिट कार्ड। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि आरबीआई ने यहां पर मास्टर कार्ड के फर्दर इश्यूएंस को लेकर के बैन लगा दी है कि इंडिया में अब मास्टर कार्ड का इश्यू नहीं करा जाएगा। क्यों नहीं करा जाएगा, पहले तो ये समझो। बेसिकली होता क्या है, जब हम बात करते हैं इन सब डेबिट कार्ड जो ये प्रोवाइड कराते हैं सर्विसेज इनकी, तो यहां पर क्या किया जाता है, बेसिकली एक पेमेंट सिस्टम डेटाबेस होता है आरबीआई के पास। आरबीआई के पास एक पेमेंट डेटाबेस होता है, पेमेंट सिस्टम डेटाबेस होता है, जिसमें ये सब के सब कार्ड जो है अपनी डिटेल्स बताते हैं कि हमारे यहाँ पर इस बैंक ने हमारे यहाँ पर इतना खर्चा हुआ, मतलब ये हुआ, एक तरीके से पूरा का पूरा अपना डेटाबेस देते हैं, ठीक है, आरबीआई के पास। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो ये आरबीआई है, आरबीआई के पास यहाँ पर कुछ सुपरवाइजरी पावर्स है, सुपरवाइजरी पावर्स है यहाँ पर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट को देखते हुए। ये कहां से आ रही है आरबीआई के पास पावर, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट को देखते हुए। ये जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट है, ये बेसिकली कब लाया गया था, ये 2007 में लाया गया था। तो इसके अंदर एक सेक्शन 17 है, वो सेक्शन 17 क्या कहता है कि आरबीआई सुपरवाइजरी एक्शन ले सकता है। और हमने यहां पर क्या देखा कि मास्टर कार्ड के खिलाफ ये सुपरवाइजरी एक्शन फिलहाल लिया है, क्यों, क्योंकि मास्टर कार्ड की तरफ से बार बार ये शिकायतें आ रही थी कि मास्टर कार्ड क्या कर रहा है, पेमेंट सिस्टम डेटाबेस के अंदर अपना जो है डेटा अपडेट नहीं कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम हमें यहाँ पर देखने को मिल रही थी। इस वजह से कहीं ना कहीं क्या करा आरबीआई ने, यहाँ पर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट को देखते हुए सेक्शन 17 को फॉलो करते हुए सुपरवाइजरी एक्शन लिया और यहाँ पर मास्टर कार्ड को बैन कर दिया। मास्टर कार्ड के अब नए कार्ड इश्यू नहीं होंगे। इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट जो है वो आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक जैसे प्राइवेट बैंक्स पर पड़ेगा, बिकॉज ये 30-40% तक जो है मास्टर कार्ड इशू करते थे। मास्टर कार्ड से पहले अमेरिकन एक्सप्रेस और डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल को भी बैन करा जा चुका है, तो अब क्या हुआ है, मास्टर कार्ड को भी बैन कर दिया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी आप लोगों के लिए आरबीआई के सुपरवाइजरी एक्शन से रिलेटेड, जो कि उन्होंने मास्टर कार्ड को बैन कर दिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया तो एक बार मुझे बता दो ताकि आई कैन रिपीट। बाकी आज के सेशन में किसी का कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। डाउट नहीं है, चीजें क्लियर हैं। तो जो भी लोग ऑनलाइन हैं, जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं करा, प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, वीडियो को लाइक जरूर करें। बाकी आज का 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं आपको बता देता हूं। पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहेगा आपको पब्लिक हेल्थ सेक्टर के बारे में बात करनी है कि किस तरीके से हम पब्लिक हेल्थ सेक्टर के अंदर जो भी आज हाल फिलहाल के अंदर चैलेंजेस हैं उनको काउंटर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पब्लिक हेल्थ सेक्टर के बारे में पढ़ना होगा, गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में पढ़ना होगा, क्या कुछ चैलेंजेस हैं उनके बारे में पढ़ना होगा। सेकंड इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपका रहेगा सेडिशन लॉ से रिलेटेड, थोड़ा सा देख लेना इसके बारे में कि किस तरीके से गलत इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। साथ ही साथ थर्ड आर्टिकल जो आपका आज का रहेगा उसके अंदर आप लोग बात कर सकते हैं, किसके बारे में, उसके अंदर आप लोग बात कर सकते हैं यहाँ पर बेसिकली जो हमारा इस टाइम पर आप कह सकते हैं रिवर सिस्टम इंडिया के अंदर, थोड़ा सा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ लेना, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी स्टेट्स के बीच में इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स आपको देखने को मिल रही है उसको भी यहाँ पर देख लेना एक बार, ठीक है, कौन कौन सी स्टेट्स के बीच में किस रिवर के ऊपर डिस्प्यूट है, एक लिस्ट तैयार कर लेना इन सब चीजों की, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपको आज 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। यहाँ पर कमेंट है कुणाल का कि सर अमेरिकन एक्सप्रेस को क्यों बैन किया गया, अमेरिकन एक्सप्रेस को भी इसलिए बैन करा गया बिकॉज दे वर ऑल्सो नॉट फॉलोइंग द होल डेटाबेस सिस्टम, वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं गड़बड़ियां कर रहे थे, डेटाबेस में नहीं दे रहे थे चीजें, तो यहाँ पर हमें देखने को मिला कि उसके खिलाफ भी हमने सुपरवाइजरी एक्शन दिया। साइबा का यहाँ पर कमेंट है ये कार्ड लॉन्च कौन करता है, सर फैक्ट्स एंड फिगर्स आंसर राइटिंग में मेंशन करना कितना जरूरी है। ओके, अभी उस बात पे भी आते हैं प्रीति। साइबा देखिए क्या है, अलग अलग तरीके से सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर की बात करें आप, तो टेलीकॉम सेक्टर में आप क्या देखते हैं कि अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर्स है, जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जियो है, एयरटेल है, बहुत सारे हैं। उसी तरीके से डेबिट कार्ड सर्विसेज जो प्रोवाइड कराते हैं उसमें भी हमें अलग अलग जो है सर्विस प्रोवाइडर्स देखने को मिलते हैं जो कि अपने डेबिट कार्ड इशू करते हैं। उनका क्या होता है, हर डेबिट कार्ड इशूअर का एक बैंक के साथ टाई अप होता है। अक्सर हमें प्राइवेट बैंक्स में क्या देखने को मिलता है कि वो लोग क्या करते हैं, मास्टर कार्ड या वीजा कार्ड इशू करते हैं, रुपे कार्ड रेयरली ही इशू करते हैं।
तो हमें यहां पर क्या देखने को मिलता है कि यहां पर जो ये मास्टर कार्ड है, वीजा कार्ड है, इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इनको क्या करना होता है, जितने भी ये सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं इनको अपना डेटा आरबीआई के डेटाबेस में देना होता है। तो हमने क्या देखा कि अमेरिकन एक्सप्रेस पहले और डाइनर्स इंटरनेशनल क्लब पहले, इन दोनों ने डेटाबेस को यहां पर प्रॉपर्ली नहीं दिया। और अब रिसेंटली क्या हुआ, मास्टर कार्ड भी उस चीजों में पंगे कर रहा था, मास्टर कार्ड भी वहां पर नहीं प्रॉपर्ली फॉलो कर रहा था नॉर्म्स को, तो मास्टर कार्ड को भी यहां पर बैन कर दिया गया। तो ये है पूरा का पूरा मामला, ठीक है। चलिए आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। प्रीति का यहाँ पर एक कमेंट है, सर फैक्ट्स एंड फिगर्स आंसर राइटिंग में मेंशन करना कितना जरूरी है, क्योंकि मुझे फिगर याद कर ओके। देखिए बेसिकली क्या है प्रीति, जब हम बात करते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स की, तो जब आप फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ अपने आंसर को लिखते हो तो उसका कहीं ना कहीं जो कॉपी चेक कर रहा होता है उसके ऊपर एक बहुत इंपैक्ट पड़ता है कि हाँ आपको चीजें पता है। हाँ ये जरूर हो सकता है कि मान लो 25% है कहीं पे लिखा है, 25 के अलावा 20 लिख दो, इसमें इतना कोई इशू नहीं होता। आप लिख दो के साथ में ऑलमोस्ट 20%, तो वो समझ जाएगा ऑलमोस्ट 20% का क्या मतलब है कि आपको आइडिया है। तो इस तरीके से आप चीजें कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द थिंग यू कैन डू हियर। चलिए आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, कोई डाउट नहीं है, चीजें क्लियर हैं। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जो है, मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जब सेशन खत्म हो जाया करे तो कमेंट करा करें प्लीज, क्योंकि जब आप कमेंट करेंगे आपका फीडबैक पहुंचेगा हमारी टीम तक, तो देट विल बी बेनिफिशियल फॉर मी ऑल्सो एंड फॉर अदर्स ऑल्सो। तो प्लीज कमेंट जरूर करा करें, फीडबैक जरूर दिया करें। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन। यू कैन डाउनलोड दिस पीडीएफ फ्रॉम आर टेलीग्राम चैनल, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो टेक केयर, गुड बाय, गुड लक, हैव अ वेरी गुड डे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।